हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ हाउस टूर करने वाली हूँ। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप हमें ये बताइए, आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका नाम क्या है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि हाउस टूर भी कर देती हूँ और आपके सारे सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है ये। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फिर चलते हैं घर के अंदर। और ये है मेन डोर, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्वास्तिक बना रखा है और पानी का एक कलश रखा हुआ है। और जैसे हम एंटर करेंगे ना, तो हमारे लेफ्ट साइड आएगा पहले डाइनिंग टेबल जो कि 6 सीटर है, और इस पर थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। और फिर इसके आगे आ जाएगा हमारा सोफ़ा। इसका पूरा लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगता है ये। ये देखिए इस तरफ का। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा नज़दीक से। तो ये सेंटर टेबल पे मैंने इस तरह से रखा हुआ है इसको, और इस तरफ है इन्वर्टर, तो इसके ऊपर भी मैंने फ्लावर और एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है, और एक बड़ी सी चेयर है। बस अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ हॉल के। तो इस तरफ ये फिश टैंक आ जाएगा पहले, और उसके बाद फिर टीवी, और टीवी के नीचे मैंने एक ट्रॉली रखी हुई है। और ये मेन डोर के एकदम राइट साइड में है, तो इसको मैंने थोड़ा इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। ये कुछ गणपति हैं, कैक्टस ट्री, और ये मग हैं, तो बस इसी तरह से इसको, और उसके ऊपर मैंने फेरी लाइट लगा दी है। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से ना, बहुत सुंदर लुक आता है। और ये फ्लावर, इसके ऊपर भी मैंने फेरी लाइट और यहाँ पर एक लैम्प लगा रखा है, बहुत अच्छा लुक लगता है इस तरह से। तो ये पूरा इस तरफ से ऐसा है, और मैंने अब आपको पूरा ही रूम दिखा दिया। देखिए इस तरह से है ये, और ये पीछे एक विंडो है बड़ी सी, काफ़ी बड़ी है ये। और अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ। और यहाँ पे भी मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, और कुछ इस तरफ है, और तुलसी जी रखी हुई है इस तरफ, और एक कैक्टस ट्री है। और बाहर का व्यू तो मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इस तरफ से। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है, और सामने ही समुंदर दिखाई देता है, और भी अच्छा लगता है। तो चलिए आज मैं आपको अपनी सोसाइटी भी दिखा देती हूँ साथ साथ में, बाहर से किस तरह से दिखाई देती है ये। ये देखिए ये नीचे कुछ घर हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे भी, और नीचे पार्किंग की जगह है। और ये दूसरी तरफ इस तरह से दिखाई देते हैं, आगे को भी काफ़ी बिल्डिंग है, 4-5 बिल्डिंग आती हैं उस तरफ को। तो ये सब है इस तरफ। और जैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि हम 6 फ्लोर पर रहते हैं, तो ऊपर से तो और भी अच्छा लगता है। अब चलते हैं अंदर। ये देखिए हॉल, और यहाँ से एंट्रेंस है अंदर की साइड को। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे, पहले आएगा किचन, और यहाँ पे फ्रिज है, तो फ्रिज के ऊपर भी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मनी प्लांट और ग्लास, कुछ थोड़ा बहुत और सामान है। और ये LIC का कैलेंडर, जिंदगी का सफ़र सच में किचन से ही शुरू होता है। देखिए यहाँ पे गैस स्टोव है, फिर चाय, चीनी पत्ती, ये सब उसका सामान सारा। और इस तरफ माइक्रोवेव, और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है इस तरह से, एक ट्रे के अंदर सामान, और पीछे ये चॉपिंग बोर्ड, ऊपर ये कूटने वाला, बस ये बर्तन वगैरह, ऊपर ये हैं RO, और बस इस तरफ बर्तन वगैरह आ जाते हैं हमारे।
ये देखिए बस इस तरह से पूरे किचन को, और नीचे से भी थोड़ा इस तरह से आइए। और ये पूरे किचन का लुक, ओपन किचन है ये इस तरह से। और ये सामने दो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चों वाला और ये वाला हमारा है। और यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये एक वॉशरूम है। तो बस ये इस तरह से यहाँ पे मैंने एक कांच लगा रखा है और ये हमारा बेडरूम है। तो पहले चलते हैं इसमें। तो सामने बेड लगा हुआ है और दो टेबल रखे हुए हैं मैंने इसके सामने, और सामने एक विंडो है, ऊपर एसी है। और इस तरफ एक टेबल है, उसके साइड में दो चेयर लगा रखी हैं। बस इसके ऊपर हम प्रेस वगैरह करते हैं। और ये अलमारी है जिसमें हमारे ही कपड़े रहते हैं। बस ये पूरे रूम का लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पे फोटो फ्रेम वगैरह लगा रखे हैं। तो ये पूरा बेडरूम इस तरह से है, इसमें भी मैंने लाइटिंग लगा रखी है यहाँ पे। बेड को भी मैंने थोड़ा नज़दीक से दिखा दिया आपको इस तरह से कुछ ब्लैंकेट वगैरह डाला हुआ है इसके ऊपर। बस ये पूरे बेडरूम का, और बाहर इस तरह से दिखाई देता है। और इसमें भी बालकनी है एक, तो बालकनी में भी देख लेते हैं। इस तरह का व्यू आता है यहाँ से, सेम है दोनों बालकनी से, सेम ही दिखाई देता है। ये देखिए, बस चलते हैं अभी अंदर क्योंकि काफ़ी लाइट आ रही थी ना। और अब चलते हैं बच्चों वाले रूम में। तो यहाँ से ही ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देता है। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर एंटर करते ही सामने मंदिर आता है, और नीचे मैंने एक टेबल लगा रखा है, उसके ऊपर कुछ बुक्स हैं और बच्चों के टॉयज। ये बस इस तरह से एक पेन होल्डर रखा हुआ है जिसके ऊपर शिल्पी की फ़ोटो वगैरह है उसके फ्रेंड्स के साथ। बस ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है पूरा रूम। और इसमें भी एक फेरी लाइट लगा रखी है, ऊपर की तरफ ड्रीम कैचर है, और इसको मैंने कांच के ऊपर लगा रखा है पूरे पे ही, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका भी। और इस तरफ ये उनकी अलमारी है, उसको भी मैंने इस तरह से टॉयज और फ्लावर के साथ डेकोरेट कर रखा है। तो आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। और इस तरफ भी एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है, उसके ऊपर कंघी वगैरह, तेल। और यहाँ पे ये हैं बच्चों के टॉयज, और ये कैंडल होल्डर है, इनके अंदर कैंडल डाली हुई है मैंने। बस अब इस तरह से है ये। और यहाँ पे भी एक वॉशरूम है मास्टर बेडरूम में अटैच्ड ये, और ये वेस्टर्न वॉशरूम है ये। और ये बाहर की तरफ जो है ये इंडियन वॉशरूम है, इंडियन सीट है इसके अंदर। और नाइट व्यू कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों का, और ये हमारे बेडरूम का। तो आज मैंने आप लोगों की फरमाइश को पूरा कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी हाउस टूर के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा हाउस टूर वीडियो कैसा लगा। तो अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि आपका खुद का घर है या आपका ये रेंटेड हाउस है। तो ये हमारा खुद का घर नहीं है, ये रेंटेड हाउस है हमारा। और सेकंड क्वेश्चन आता था कि आप कहाँ से हो, हमें प्रॉपर जगह बताइए। तो मैं हिमाचल से हूँ। और लास्ट क्वेश्चन ये आता था कि आपका नाम क्या है। मुझे बहुत सारे लोग दमन कह के बोलते हैं, तो मेरा नाम वीना शर्मा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं भी हिमाचल से ही हूँ, हिमाचल में ही ससुराल है और हिमाचल में ही मायका है। यहाँ पे हस्बैंड जॉब करते हैं कंपनी में,
और बच्चों की पढ़ाई भी यहीं पे हुई है। अभी दोनों का स्कूल खत्म हो गया है, अभी दोनों कॉलेज में हैं, तो बस यही था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मुझे, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो चलिए, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लेके आ सकूँ। तो चलिए फिर इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।